एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही काम आने वाला वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एडिक्शन हो गया है पॉर्न देखने का, या फिर हिंदी में बोलूँ कि गंदी वीडियोस देखने की आपको आदत लग गई है, तो इसे कैसे छुड़ाएं। और ये तो हम सबको ही पता है कि ये आदत सही नहीं है, चाहे आप कितना भी इस चीज़ पे डिबेट कर लो कि मैं बैचलर हूँ, मैं सिंगल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता, कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि कोई उम्र नहीं होती इस चीज़ की। टीनेज में भी लोग देखते हैं और उससे ऊपर यंग एज में भी देखते हैं, इवन 40, 50, 60 की उम्र वाले भी देखते हैं, लड़के भी देखते हैं और लड़कियां भी देखती हैं। और एक बार अगर इसकी लत लग जाए, कंटिन्यूस बेस पे आप ये वीडियोस इस तरह की देखने की आदत डाल लो, तो उसके चलते क्या कुछ नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको मैस्टुबेशन करने की इससे लत लग सकती है। मैस्टुबेशन की लत तो अपने आप में ही एक ऐसी लत है जो कि आपका मेंटली इफ़ेक्ट कर सकती है, फिजिकली भी इफ़ेक्ट कर सकती है। आगे चल के आपकी अगर शादी होती है या रिश्ता आपका किसी के साथ जुड़ता है, तो वहाँ पे भी फ़र्क आपके डाल सकता है। आगे चल के आपकी सेक्सुअल लाइफ भी ख़राब हो सकती है। मैंने इस पर पहले बात भी की हुई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपका नज़रिया ना दूसरों को देखने का बहुत ही गंदा हो जाता है। आप गलत नज़रिए से, गंदी निगाहों से और गलत गलत विचार आपके मन में आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सच है। और आप चाहे माने या ना माने, अगर आप खुले दिमाग से इस बारे में सोचेंगे तो आप डेफिनेटली ये चीज़ फील करोगे कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे ये हावी तो होती ही है, अगर आप रेगुलर बेस पे इसे देखने की लत बना लेते हो। इसके अलावा आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, ये चीज़ आप सोचिए। अगर यही टाइम आप इन वीडियोज़ को देख के, मैस्टुबेशन करने के या फैंटसीज़ बनाने के अलावा, यही टाइम अगर आप अपना किसी सही चीज़ में लगाएंगे, अपने जॉब पे, अपने करियर पे या अपनी पढ़ाई पे या और किसी अच्छे काम में लगाएंगे, तो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो, और यही इस टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत चीज़ें होती हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और इनकी लत लगा लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान तो देखिए इससे हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि आपको पता तो चल गया कि आपका नुकसान हो रहा है, आपके लिए ये सही नहीं है, पर आप इसे देखना छोड़ें कैसे। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉमेंट आते हैं कि कितना भी चाह लें नहीं हो पा रहा, कितना भी कर लें नहीं हो पा रहा, मैस्टुबेशन की लत नहीं जाती या पॉर्न देखने की लत नहीं जाती, तो क्या करें। देखिए, कोई और आपको कोई दवाई देके इसे नहीं छुड़वा सकता, कोई और आपको इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नुस्खा बता दे और ये छूट जाए लत। करना आपको ही है, समझना आपको ही है, ट्राई आपको ही करना है, डटे आपको ही रहना है। आपको सबसे पहले तो अपने मन में ये दृढ़ निश्चय बना लेना है, ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। मेरे पास ऐसी ऐसी कमेंट भी आते हैं कि मैम कोई दवाई बता दो जिससे मैस्टरबेशन की लत छूट जाए। कोई दवाई नहीं है इसकी, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल, अपने पे संयम बना के रखना ही इसका सॉल्यूशन है। चाहे वो पॉर्न की लत हो, या मैस्टुबेशन की लत हो, या किसी के प्रति गंदे नज़रिए की से आप देखते हो, गंदी नज़र आपकी हो गई है, गंदी सोच आपकी हो गई है, इन सब चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप ये बोलते हो कि कितना भी मैं ट्राई कर लूँ, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, नहीं हो पा रहा, नहीं छूट रही ये लत, चाहे वो मैस्टुबेशन की लत हो, चाहे वो पॉर्न देखने की लत हो, चाहे किसी के प्रति गंदा नज़रिया या गलत सोच की आदत हो, ये नहीं छूट रही आपसे ट्राई करके भी, तो ये चीज़ें नहीं छूट रही क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही पूरी तरीके से ट्राई नहीं कर रहे, आप खुद ही नहीं छोड़ना चाह रहे। आप माने या ना माने, सच्चाई यही है। एक बार अगर आपने मन में ठान लिया, एक बार आपने पूरी ईमानदारी से कोशिश करी, तो आप डेफिनेटली छोड़ दोगे। कोई भी ऐसी लत, एडिक्शन या नशा ऐसा नहीं होता कि जिसे आप छोड़ ना पाओ। इट्स ऑल इन योर हैंड, इट्स ऑल इन योर माइंड। आपका माइंड पे आपका कितना कंट्रोल है। आप इस एडिक्शन पे भारी पड़ोगे या ये एडिक्शन आपके ऊपर भारी पड़ेगा, सिर्फ इतनी सी ही कहानी है। तो आपको इस एडिक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आप इसे छोड़ ही नहीं पा रहे, बल्कि खुद अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और इन आदतों को आपको छोड़ना है। और देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि
आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे चाह के भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन बार बार इन चीज़ों में आपको ले जाता है। और वो मन आपका क्यों ले जाता है, क्योंकि आपको वो थोड़ी सी छोटी सी खुशी मिलती है उतने टाइम की, वो थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से, अंदर से आपको अच्छा लगता है जब ये आप जिस तरीके की वीडियो देख रहे हो या मैस्टर्बेशन कर रहे हो या किसी भी तरीके का अगर आपको कोई और एडिक्शन है, कोई नशा अगर आप करते हो, तो वो थोड़ी सी खुशी के लिए ना आपका मन वहीं भागता है। अब ये खुशी अगर आप उसमें ढूंढना ही बंद कर दो ना, तो यही आपका काम हो जाएगा। यही खुशी अगर आप किसी दूसरी चीज़ में ढूंढना शुरू कर दो, अपना मन वहाँ से हटा के कहीं और लगाना शुरू कर दो ना, सिर्फ इतना सा ही सोल्यूशन है और आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मन पे काबू करके, एक तो वहाँ पे जाना ही नहीं है, पोर्न साइट्स पे जाना ही नहीं है। अगर कुछ डेटा आपके पास है उसको डिलीट कर दीजिए उन साइट्स का, अगर आपने सेव करके रखा हुआ है उसे डिलीट कर दीजिए, और कोशिश करिए वहाँ पे आप ना जाएं। ऐसे डिस्कशन जब हम दोस्तों के साथ करते हैं या इस तरीके के बार बार हम अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या अपने डिवाइसेस में खोल के चीज़ें देखते हैं, उन्हें खोलना बंद कर दीजिए, वो डिस्कशंस बंद कर दीजिए और अपनी खुशी कहीं और ढूंढना शुरू कर दीजिए। ऐसी और भी तो चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी लगती हैं, क्या सिर्फ आपका मन या आपका जो खुशी है वो उन्हीं चीज़ों में आपको मिलती है? और चीज़ों को देखिए, देखिए आपका मन कहाँ लगता है, आपको वो खुशी और कहाँ मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं लोगों की, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना या अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के दो चार बातें कर लेना, कोई सीरियल हो गया, कोई मूवी हो गई, कोई बुक हो गई, कहीं तो आपका मन लगेगा ना। उस मन को कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए, वो थोड़ी क्षण भर की खुशी उन जगहों से ना लेके कहीं और से लेना शुरू करिए, और देखिए आप कैसे नहीं छोड़ पाते, बिल्कुल छोड़ पाएंगे आप, ये सब आपके हाथ में है, बस कोशिश करने की देर है। तो मेरी इन बातों पे थोड़ा सा गौर फरमाइए और थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और कोई भी तरह की लत हो, चाहे वो गंदी वीडियो देखने की लत हो, चाहे वो मैस्टर्बेशन करने की लत हो या और कोई लत हो, आप डेफिनेटली उससे बाहर ज़रूर आ पाओगे और खुद को एक बेहतर इंसान बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, इन चीज़ों से आपको कुछ मिल नहीं रहा, कोई हासिल नहीं हो रहा, कोई आपका फ्यूचर नहीं बन रहा, कोई आपकी कमाई नहीं हो रही, ठीक है। तो यही काम अगर आप किसी पॉजिटिव ऐसी चीज़ में लगाओगे ना, या तो आप अपना उससे कुछ भला कर रहे हो, नहीं तो समाज का कुछ भला कर रहे हो, नहीं तो चार पैसे ही कमाने में उस अपने दिमाग को या अपने उस टाइम को लगा रहे हो, तो देखना वहाँ से आपको कितनी मोटिवेशन मिलती है, वहाँ से कितना पॉजिटिव आपको चीज़ें मिलती हैं। तो आप फिर अपने आप ही उन चीज़ों को छोड़ दोगे, अपने आप ही आपका मन नहीं करेगा वो करने का, ठीक है। तो अपने इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी खुशी को कहीं और ढूंढना शुरू करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की मोटिवेशन रखिए, ज़िंदगी में एक पर्पस बनाइए अपना, कोई कुछ तो लक्ष्य होगा ना आपका। अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं और अच्छी आपको जॉब पे जाना है, अच्छी और अपनी कमाई जो है करनी है। अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई पे अपना ध्यान दो, पढ़ाई करके आपको आगे कहीं कॉलेज में जाना है या आगे जॉब करनी है कहीं, उस पे ध्यान दो, वहाँ पे अपना मन लगाओ, तो देखिए आपका मन लगेगा भी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आगे चल के आपको वो काम भी आएगा, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ एंड होप करती हूँ कि मेरी इन बातों से आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिला हो। प्लीज़ इस मैसेज को आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, चाहे आपके दोस्त हों, जानने वाले हों या कोई भी आपके कॉन्टैक्ट में, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम और भी लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचा पाएँ। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, ताकि यूट्यूब को भी पता चले एक अच्छी वीडियो है और वो मेरी वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए और रिकमेंड करें। लगातार मेरी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।